सनान, ये शिजरतियां क्या कर रही है? और ये तुम्हारे हुलिये को क्या हुआ है? और ये शिजरत क्यों रो रही है? बताओ ना सनान। वो हम दोनों साथ थे, मोबाइल स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ और मैं उससे उलझ पड़ा तो मेरे खुदाया, तुम दोनों ठीक हो ना? दे देना था मोबाइल, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है। और तुम जानते हो ना, ऐसे लोगों को किसी की जान की परवाह नहीं होती और ना ही इज्जत की। तुम्हारे साथ शिजरत ही बेवकूफ। बस कर दो शिजरत, खुदा का शुक्र है इज्जत और जान बच गई, पैसे की कोई हैसियत नहीं है। बस खामोश हो जाओ, चुप रह जाओ। क्या हुआ? जी वो गफान साहब के ससुराल वाले आए। वो क्यों आ गए यहाँ पे? मैं लेकर आ। जी ठीक है। उन्हें शिजरत को यहाँ नहीं देखना चाहिए। अभी क्या हो गया तुम्हें? तुम मम्मी के बाद यहाँ पे अकेले रहते हो, लोग सौ तरह की बातें करते हैं और मैं नहीं चाहती कि लोग इस हुलिये में शिजरत को देखें। तो बता देंगे कि मोबाइल स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ। क्या बता देंगे? तुम नहीं जानते क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शिजरत आओ मेरे साथ चलो। हम कुछ भी कह देंगे। चुप कर जाओ तुम, तुम क्या जानते हो नजाकतों को। आओ शाबाश, जल्दी करो। अफ़ान के ससुराल में बहुत बातें करने वाले लोग हैं, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा के फिर तुम्हें ले जाती हूँ, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बहुत अफसोस हो आपकी अम्मी का सुन के, बस आ नहीं सके, बहुत दिन हो गए, चक्कर लगाने का सोच रहे थे, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती ना एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए प्लीज। कि तुम्हें क्या हुआ सन्नान? ओह माय गॉड, मैंने तो देखा ही नहीं। किसी से लड़ाई हुई है तुम्हारी? मुझे तो लगता है किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है तुम्हें। अभी मोबाइल स्नैचिंग का एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मैं उससे उलझ पड़ा था इसलिए। ओहो, बस आजकल के हालात भी ना, मैंने तो सबको यही मशवरा दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो सब चीजें दे दो, क्योंकि जान से बढ़कर थोड़ी होती। बेशक ऐसा ही है। इतनी अच्छी खातून थी आपकी अम्मी, जब भी मिलती थी बहुत ही मोहब्बत से मिलती थी। हाँ ये बात तो है जी, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी माफरत फरमाए। आमीन।
हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या कहेंगे लोग कि दामाद को मार पीट कर निकाला? दुआ करें मार की वजह ना पूछे कोई। उसकी तो टांग भी टूटी हुई है, ऊपर से इसने ठोकरे मार मार कर धक्के दिए। ठोकरे? आपको मेरे इरादे की खबर भी है? थौल खींचकर तार पर डालकर सुखाने के बारे में सोच रहा था। अच्छा वो चला गया। मेरी इज्जत, अरे ऐसे होती है बेटियां नुकसान, जैसे मेरी बेटी हुई है। जो भी है, कम से कम लोगों को पता चल गया मैं इस बेहयाई का हिस्सा नहीं हूं। इस मामले में तो सर उठा के चल सकता हूं मैं। आप यहां क्यों खड़ी हैं? आप ही ने कहा कि हाँ जी, तो समिया बाजी ने तो ठीक ही कहा है ना, आखिर आपको इस घर में पाचो काचो के साथ ही आना है। आइए मैं आपको सनान भाई के कमरे में ले चलती हूँ, यहाँ पर किसी की नजर पड़ गई ना तो बहुत बातें बनेंगी। नहीं, सनान को बुला दूंगी। बस अब तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, दुआएं काम आएंगी उनके। तो मैं सब चेंज कर लूं। सॉरी शिजरत, आप ही ने ठीक कहा, तुम मुझे इस तरह से नहीं ला सकते, दुनिया जीने नहीं देगी, मुझे घर वापस जाना है। शिजरत, प्लीज मत जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें यहां लेकर आया हूं, लेकिन घड़ी की टिक टिक से नजरें बांध के देखना, तो सिर्फ 37 मिनट नहीं थे सनान। मैं वो सब नहीं चाहता था शिजरत, मगर आप ही। इंसान के पास कोई एक कोना होना चाहिए। मेरा माजी दागदार हो चुका है और मुस्तकबिल में ये धब्बा लगा के मैं पतनुमा नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारे खानदान के सामने खुद को आया नहीं करना चाहती। रुको, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूं, चलो। नहीं, यहां से आगे सिर्फ मेरा किरदार है, तुम निभा चुके हो। धड़कने चल रही बाकी सब है।
है रुका, किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा। कैसा अंदाज है, कैसा ये नाज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। किन आजमाइशों में डाल दिया। वापस क्यों आई? वो छोड़ गया। नहीं, मैं खुद आई। लेकिन क्यों बेटा? ऐसे जाने वाले की इज्जत नहीं होती अम्मी। तुम्हारी रही कब थी? और अगर तुम चली गई थी तो वापस तो मत आती। हम तो मिट्टी डालकर बैठ गए थे। जीते जागते लोगों पर मिट्टी नहीं डालते भाभी। हाँ, क्योंकि जीते जागतों के तो सरों पर पड़ती है। देखो हमारे सर पर। तुम्हारी इतनी जुर्रत आफाक। किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दे इसे। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक नजर ना आए मुझे ये। समझा दे इसे अपनी जबान में। उठो बेटा, अंदर से चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, इतनी बेदर्दी से धक्का मारा तुम्हें आपा। ये भी नहीं सोचा कि तुम किस हाल में हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शान जान छूटती सबके मेरी। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती, सुबह से नाश्ता ही किया। और
क्या करने लगी हो? पढ़ रही, नजर नहीं आ रहा क्या? पढ़ रही हो? इम्तिहान है मेरे, बाबर क्यों भूल जाती हैं आप? तुम अभी भी इम्तिहान दोगे? चाहती कि लोग इस हुलिये में शिजरत को देखें। तुम्हें बता देंगे कि मोबाइल स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ। क्या बता देंगे? तुम नहीं जानते क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दे इसे। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक नजर ना आए मुझे ये। ठीक हो शजरत? तुम ठीक हो सनान? हाँ हाँ, मैं भी। I'm sorry, मेरी वजह से वो सब कुछ। No, I'm sorry, मेरी वजह से। शजरत? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ हो रही है शजरत। मुझे खुद अपने रोने से तकलीफ हो रही है। तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई। और तुम? तुमने नहीं सोना? मेरी तो नींद तमाम हो गई। किस्मत में जगराता लिख दिया गया है। अब सारी जिंदगी जागना है मुझे। कोई उम्मीद हो, कोई तो आस हो, कोई जीने का तो मुझको एहसास दो। धड़कने चल रही, बाकी सब है रुका। किसको जाकर कहें कितना दिल है दुखा। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है। जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। खुदा हम पे करम कर दे, अता हमको सनम कर दे। सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनान किधर है? सनान भाई तो सो रहे हैं। सो रहे अभी तक? जी,
कल ना चोरों ने उनको बहुत ज्यादा मारा था, वो गाड़ी में जा रहे थे तो उनको। अच्छा बस पता है, चाय बनाओ मेरे लिए। जी अच्छा। चले? नहीं सुमैया। क्या? जब सनान को पता चलेगा कि आप घर तक आके उससे मिले बगैर चले गए तो उसे कितना बुरा लगेगा। सुमैया मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ यार, जब लंच टाइम पर आऊंगा ना तो पूछ लूंगा सनान का हाल अहवाल यार। अच्छा ओके, सिर्फ 5 मिनट बस। अरे 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 रिलैक्स, लेटे रहो। सुना है तुम्हें बहुत चोटें लगी, बहुत मारा उन लोगों ने। क्या जरूरत थी, दे देते चाबियां और मोबाइल, तुमसे ज्यादा कीमती थोड़ी था। दिखाओ कहां लगी। पीछे हटो। सनान क्या कर रहे हो, अगर मैं गिर जाती तो? और कितना, जितना गिर चुकी हो तुम। मैं तो सच में तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। पता चला कि जनाब अभी तक अपने बिस्तर से ही बाहर नहीं निकले, तो सोचा कि मैं खुद ही जाकर देख लूँ। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरे कमरे से जाओ प्लीज। अरे क्यों जाऊं? तुम चेंज कर लो, मैं यहीं बैठी हूँ। मुलाजमा से चाय का कह दिया मैंने। सिर्फ 5 मिनट, रात भी आपने 6 मिनट लेने नहीं दिया था मुझे। सनान के पास रुकने भी नहीं दिया आपने मुझे। For God's sake, सुमैया, मैं इमरजेंसी में था यार। और तुमने ये क्या नया तरीका शुरू किया? तुम घर की हर चीज को ताला लगा के निकल जाती हो। आपकी बाजी की वजह से, वो जो कहती है कि मैं सारा घर मुलाजमों पे छोड़ के चली जाती हूँ, इसलिए मैंने भी ताला लगाना शुरू कर दिया। प्लीज प्लीज सुमैया, तुम दोबारा बाजी पर मत आ जाना यार। मैं किसी पे नहीं आती हूँ, आपका सारा खानदान पैंतरे बदल बदल के मुझ पे आता रहता है। क्या आपकी बाजी, क्या आपकी भांजी, क्या अब क्या कर दिया मेरी भांजी ने? एक तो तुम खामखा उसके पीछे पड़ी रहती हो यार। भैया मैंने कहा ना कमरे से जाओ प्लीज। अरे यार तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पुराने जमाने की हीरोइन हो। पहली बात तो मुझे तुम्हारी इयादत की कोई जरूरत नहीं है, अगर आई गई हो ना उठो, शराफत से नीचे जाके बैठो। चलो छोड़ो। नहीं बैठूंगी नीचे, क्या कर लोगे, शोर मचाओगे। ओह माय गॉड प्लीज हेल्प। शट अप। आपी मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है सिन्ना, वो बैठने सब कुछ खुद देख और सुन लिया है। Thank you.
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी शिजर? ठीक है, बिल्कुल ठीक। कैसा जर्द रंग हो रहा है तुम्हारा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आपको गलत फहमी हुई है। वो असल में हमारे यहाँ लाइट आती ही ऐसी है, वो बस सबके चेहरे देखें आप, सबके ऐसे ही होते हैं। सारी गलती सनान की है, बल्कि सनान की क्यों, मैं तो ये कहूंगी कि तुम भी बराबर की कसूरवार। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। समझाने की कोशिश की थी, मगर जो किस्मत में लिखा। ये तो है, मगर मैं कहूंगी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा ऐसा हो तो। दोबारा? दोबारा? जी बिल्कुल, इंसान के साथ शैतान लगा होता है, कब सामने आ जाए कुछ पता नहीं होता। इसलिए शिजत मेरी नसीहत याद रखना, अगर कभी भी ऐसा हो तो सारी चीजें दे दो, मोबाइल, गाड़ी की चाबी, पैसे, जो कुछ है उसको दे दो, बस इज्जत और जान बच जानी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूं ना? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा तुम। और क्या, कितनी बुरी तरह मारा है सिन्नान को, उनके पास पिस्टल भी हो सकती थी। मैं तो तुम दोनों की हालत देख के हैरान रह गई थी। दरअसल आप ही, मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि हमें चोर पड़ गए थे, गाड़ी की चाबी छीनना चाहते थे। ओ अच्छा, चलो अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मियाँ मिच्छू, ये लो थोड़ा सा खा लो। अच्छा चलो बोलो अल्लाह, बोलो ना, बोलो अल्लाह। मियां मिच्छू, अरे बाप ये बातें भी करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कहाँ थी? मैं वो ऊपर छत पर थी, इसका पिंजरा साफ कर रही थी। मैं तुम्हें बुलाने गई थी सबा, मगर उस वक्त तुम सो रही थी। अच्छा, ये और क्या क्या बोलता है? वो अभी सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही है? ऐसे कुछ ये इसका नया शौक है, देखो कितने दिन चलता है। अब मैं इसे मिल लूं। जिंदगी भर के लिए सिन्नान से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा बाजी। ऐसी जिल्लत, बेहयाई और डिटाई, पूछो ऐसे क्या करने गई थी वहां। बताया तो है मामू, हाल पूछने के लिए गई थी उसे। नर्मीन? क्या नर्मीन 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 लगा रखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अम्मी, क्या आखिर उससे हुआ क्या है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीने लगा, ऐसा हो गया है वो। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं नरमीन, दोबारा नहीं। नरमीन, मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो आखिर, निकाह हो चुका है उसका,
तो नरमीन क्या अम्मी उर्दू की किताब में अल्फाज और जिद पढ़े हैं ना आपने क्या होता है उसके अंदर सुबह शाम दिन रात सिया सफेद इसी तरह होता है निकाह और तलाक मोहब्बत का हासिल वसूल में है अम्मी उसे मुझसे मोहब्बत नहीं रही तो क्या हुआ मुझे तो उससे मोहब्बत है नरमीन अब उसकी एक बीवी भी है हाँ सुना है कि कोई बड़ा इम्तिहान दे रही है पढ़ती जाए और बस पढ़ती जाए जाओ जरूर जाओ यहां कौन है तुम्हें रोकने वाला और कौन सा तुमने रोकने से रुक जाना है कोई और बात होती तो मैं रुक जाती मामू समझ सकता हूं मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि इम्तिहान में पढ़ना कैसा होता है मेरे साथ जाएंगे पर्चा दिलवाने
मैं सेंटर बहुत दूर है ना। सिनान लेकर नहीं जाएगा क्या? अफाक भाई ने उसका यहां ना बंद कर दिया। अब क्या फायदा, पहले बंद करना चाहिए था, तब कोई जवाब नहीं था ना, और तुम किसी जवाब को मानती नहीं है ना। मामू मैं याद है शिजरत, जब अब्दुल गफूर साहब ने आकर मुझसे कहा था कि क्या शिजरत उनके बेटे को रियाजी समझा देगी, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया था और सर फख्र से बुलंद, कद सबसे ऊंचा। जब किसी को पढ़ाने से मना कर देती थी तो लोग मेरे पास सिफारिश के लिए आते थे। वर्कशॉप में मुझे सब उस्ताद जी कहते थे। तुम्हारी वजह से सर कहने लगे। मैं जहां से गुजरता पता नहीं कौन कौन सलाम झाड़ता था। नई कसाई की दुकान पर गोश्त लेने वालों की ये लंबी लाइन होती थी, लेकिन वो सबसे अच्छा गोश्त सबसे पहले मुझे देता था। उसके चारों बच्चे तुम्हारे स्टूडेंट थे ना,